तो भाई जैसे कि आपने मैसेज मुझे किया था कि G10SS, G10SS2 और PD100 में क्या फर्क रहता है वो बताइए। सबसे मेन चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आर्मेचर के बारे में, तो आर्मेचर में क्या फर्क रहता है वो भी और सारा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको G10SS के बारे में बताऊंगा। G10SS है हिटाची कंपनी का जो मशीन है, वो सबसे पहला पुराना मशीन है। और G10SS के बाद लॉन्च हुआ है G10SS2। G10SS में जो पुराना मॉडल है उसमें कार्बन होल्डर बाहर में रखा गया था, और भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे आप पहले चीज आप यहां पे पता कर सकते हो, G10SS में कार्बन होल्डर सब जो पुराना मॉडल है वो कार्बन होल्डर बाहर में रखा गया था, उसमें ठिप्पी लगता है कार्बन का, आप उसको खोल के कार्बन निकाल सकते हो, उसमें स्ट्रिंग वाला कार्बन लगता है। लेकिन G10SS2 में कार्बन होल्डर बाहर में नहीं है, कार्बन होल्डर अंदर रहता है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये G10SS2 है। ओके, तो G10SS2 और G10SS में सबसे मेन चीज जो फर्क रहता है उसका कार्बन में, ये पहला चीप पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, आर्मेचर कॉइल में दोनों सेम है लेकिन आर्मेचर का फैन, यहाँ पे देखिए G10SS का आर्मेचर ये है और G10SS2 का आर्मेचर ये है। यहाँ से आप उसका फैन को देखिए, फैन में फर्क आपको आए। G10SS में ऐसा सीधा दांती रहता है फैन का, और थोड़ा चिपटा रह जाए G10SS2, और ये दोनों का आर्मेचर ये जो सेम है लेकिन ये फैन में डिफरेंस जाएगा। अगर आप ये फैन यहाँ पे लगा दोगी और इसका फैन यहाँ पे लगा दोगी तो ये हो जाएगा G10SS और ये हो जाएगा G10SS2। उसमें एक ही फर्क रहता है आर्मेचर में, इसका फैन का फर्क रहेगा और कोई फर्क नहीं रहेगा। दूसरा फर्क आपका स्विच में आएगा प्लस ये कार्बन में आएगा। ओके, PD100 का आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लास्टिक का फैन आता है, ये कास्ट आयरन का फैन आता है, लोहा का फैन आता है। प्लस इसमें थोड़ा ये जो चीज रहता है वो बड़ा रहता है, जो वाइडिंग होता है जहाँ पे ये बड़ा रहता है और ये छोटा रहता है। ओके, G10SS 2 में कोई भी PD100 का फर्क नहीं, मतलब वो बहुत डिफरेंस रहता है, तो आपको यहाँ पे फर्क तो ऑब्वियसली दिखेगा। तो PD100 में भी मॉडल बहुत वेराइटी में, PD100, PD100D, PD100M। तो PD100 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो जरूर मैं बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे। तो ये पहला चीज़ है, यहाँ पे देखिए G10SS 2 में ये फर्क रहता है सबसे मेन चीज़। G10SS 2 और G10SS में कैसे आप आसानी से पता कर लोगी, ये कार्बन होल्डर में अगर आप पुराना मॉडल आया है G10S, तो G10SS कार्बन होल्डर बाहर में रहेगा, ये सबसे पहला चीज आप दूर से देख के भी पता कर सकते हो। और G10SS2 अंदर कार्बन होल्डर रहेगा और स्विच में भी डिफरेंस रहेगा। ओके, मैं उसके ऊपर मैं मशीन को ला के पूरा डिटेल्स में आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। ये आर्मेचर के ऊपर छोटा सा वीडियो था, टिप्स आप मान सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।